बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी देखने को बाद पुलिस पूरी तरह से सचेत हो गई है। नक्सलियों ने हाल ही में शहीदी सप्ताह में सैकड़ों की संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर पुलिस विभाग के होश उड़ा दिए थे। इसके बाद अब छत्तीसगढ़ पुलिस भी नक्सलियों की ताकत को भांपते हुए नक्सल मोर्चे पर हाईटेक ड्रोन की तैनाती करने जा रही है। इसमें न सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी नक्सलियों के मूवमेंट पर नजर रखी जा सकेगी। साथ ही यह ड्रोन नक्सल ऑपरेशन में जाने वाले जवानों का भी समय पर जरूरतमंद चीजें पहुंचाने के लिए कारगर साबित होगा। आपको बता दें, पुलिस मुख्यालय की टेक्निकल टीम ने ऐसे हाईटेक ड्रोन के सैंपल देखना शुरू कर दिए हैं। जल्द ही इन्हें नक्सल ऑपरेशन में शामिल किया जाएगा। बस्तर में नक्सलियों से निपटने के लिए पुलिस विभाग अपने संसाधनों में भी लगातार बढ़ोतरी कर रही है, क्योंकि हाल ही में बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद इन इलाकों में रैकी करने के लिए मानव संसाधन के साथ ही ड्रोन से भी निगरानी रखने की योजना बनाई गई है। इन ड्रोन में लगे हाईटेक कैमरे से नाइट विजन के माध्यम से भी 24 घंटे नजर रखी जा सकेगी। इस ड्रोन की तैनाती से बस्तर पुलिस को नक्सलियों से निपटने के लिए काफी मदद मिल सकेगी। जानकारी के मुताबिक वर्तमान में बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात सीआरपीएफ के जवानों के 7 से अधिक ड्रोन नक्सल मूवमेंट पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नक्सल विरोधी अभियान के दृष्टि से फील्ड में तैनात हमारे जवानों को या सुरक्षा बल सदस्य को अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टि से जितना मॉडर्नाइजेशन, जितना टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकता है उसी हिसाब से समय समय पर फोर्सेस में कार्रवाई करते हैं, और जो मार्केट में जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की दृष्टि से नया प्रोडक्ट्स उपलब्ध होते हैं उसी का हम लोग अपना परिस्थिति का अनुरूप कैसे यूज कर सकते हैं, जिससे बल सदस्यों को किस प्रकार का ऑपरेशनल फायदा हो सकता है, इन सबको विचार करते समय समय पर हम लोग इस पर कार्रवाई करते हैं।